प्लान को शुरू करने से पहले 60 फीट बाय 22 फीट का मेजरमेंट हम शो करेंगे आपके साथ, ठीक है। इसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एक जो हाइट हम यहाँ पर ऐसे यहाँ पर शो करेंगे। उसके बाद इसका जो टेक्निकल GL PL पार्ट, टेक्निकल पार्ट जो होता है GL to PL ग्राउंड लेवल टू प्लिंथ लेवल, तो यहाँ पर हम शो करेंगे। उसके बाद हम मेन ड्राइंग जो है हम वहीं पर इसको भी शो करेंगे, ठीक है। तो इससे हम टेक्निकल पार्ट भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको शो करने के बाद इसका मेन जो पार्ट, इसका डोर, ओके, डोर हमें इधर शो करना है, नहीं तो डोर नहीं शो करेंगे तो हमारा प्लान कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो 7 फीट बाय 4 फीट का एक डोर हम शो करेंगे। इस डोर को शो करने से क्या होगा, घर के अंदर आने का एक रास्ता आपको पहले मिल जाएगा। इसके बाद ये जो रूम है इसका भी एक डोर हम शो करेंगे, तो इससे भी आप इस डोर के थ्रू आप इस घर में घुस सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 7 फीट बाय 3 फीट का और एक डोर हम यहाँ पर शो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 फीट 4 इंच हाइट में हम किचन का जो मेन पार्ट यहाँ पर हम शो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर और एक देखिए रूम, इस रूम का जो डोर हम अंदर में शो करेंगे। तो यहाँ पर जो पार्ट, यहाँ पर हम कितना रूम रखा है वो भी हम इस प्लान के अंदर आपके साथ शो करेंगे आपके सामने, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 फीट बाय 3 फीट, तो इधर हम इसको भी यहाँ पर कर दिया है, इसको भी कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर भी रखा है। नेक्स्ट ये जो रूम, और एक रूम यहाँ पर हमने शो किया है, यहाँ पर भी हम एक डोर शो करेंगे, ओके। नेक्स्ट हम इधर भी एक डोर यहाँ पर शो करेंगे। अच्छा, इस जो प्लान में जो डोर हम शो करें यहाँ पर 7 फीट बाय 2 फीट 6 इंच का यहाँ पर डोर, तो हर घर में हमने डोर तो शो कर दिया। उसके बाद इसका कुछ खिड़कियाँ या जो विंडो वो भी हमें शो करना है। देखिए एक बात है, जो 4 साइड ओपन यहाँ पर जस्ट एक ऑप्शनल प्लान है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है 4 साइड ओपन कोई भी प्लॉट नहीं होता है, ऐसा नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। 4 साइड ओपन भी बहुत सारे प्लॉट है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में ये प्लान इंडिया के लोग करेंगे, तो बाहर का कंट्री में भी 4 साइड ओपन बहुत सारे प्लॉट है, तो उधर भी इस प्लान को देखकर घर बनने का अगर कोई भी किसने भी करने का प्रयास किया है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा विंडो डोर तो उसको तब ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि 4 साइड में ओपन गांव में भी आता है, कुछ प्लॉट में 4 साइड ओपन नहीं होता है, उस प्लॉट के लिए ये जो प्लान है इसके पार्ट वाइज आपको कुछ विंडो को बंद करना पड़ेगा। तो आपको जो साइड बंद है, जो साइड ओपन नहीं है, उस साइड को आपको बंद करना पड़ेगा विंडो का पोजीशन। तो उसमें क्या होगा, आपको विंडो वही पोजीशन पर नहीं रखना होगा। तो हर घर में हम 2 विंडो रखेंगे ऑप्शनल, क्योंकि इसमें क्या होता है एयर वेंटिलेशन अच्छा होता है, घर का जो इंटरनल जो एयर फ्रेश एयर घर के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें आपको एक ऑप्शनल प्लान के थ्रू हम ऐसे दिखाया है, तो आपको अगर इसमें कुछ चेंज करना है प्लान के अंदर
तब चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर इधर एक पार्ट हम शेयर करेंगे जो है इसका इसका क्या इसका जो है इसका स्टेयर, ओके, जो है इसका स्टेयर हम यहाँ पर शो करेंगे। तो स्टेयर शो करने से पहले हम इंटरनल एक विंडो यहाँ पर शो करेंगे। आपको लगता है ज़्यादा विंडो, ऐसा नहीं है, सिर्फ ऑप्शनल है, ठीक, इसको बंद कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर स्टेयर का पोजीशन शो करते हैं। तो जो स्टेयर घर से ऊपर छत के ऊपर जाने का जो स्टेयर हम इधर प्रोवाइड किया है, तो घर के अंदर आने के बाद ही हमने स्टेयर इधर प्रोवाइड किया है। उसके बाद इधर हमें क्या रखना है, जो इधर हमें इधर एक हमें विंडो प्रोवाइड करना है जो है 4 फीट में। तो यहाँ पर एक विंडो हम प्रोवाइड करने से क्या होगा, फ्रंट का जो लुक है वो और भी अच्छा आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो फ्रंट से आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें बाकी जो पार्ट है, इसमें जो कुछ फर्नीचर हम यहाँ पर ऐड करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए हम ऐड करते हैं इसको। तो इधर देखिए 4 बेडरूम, 1, 2, 3, 4 फोर बेड आपको दिखाई दे रहा है। तो घर के अंदर आने के बाद हम इधर एक छोटा सा सीटिंग रखा है, इधर एक डाइनिंग टेबल प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो डाइनिंग टेबल कहाँ प्रोवाइड किया है, यहाँ पर एक किचन इसके फ्रंट में, यहाँ पर देखिए एक कॉमन टॉयलेट इधर, और इधर एक कॉमन टॉयलेट एंड बाथ आप घर के साथ अटैच कर सकते हैं, ऑप्शनल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक ओपन स्पेस है, यहाँ पर एक छोटा सा एक आप बैठने का जगह यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 बेडरूम के साथ। तो चलिए हम डिटेल ड्राइंग आपके साथ शेयर करते हैं। डिटेल ड्राइंग शेयर करने से आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेडरूम के साथ क्या क्या मैंने कैसे रखा है, देखिए जो मेजरमेंट है यहाँ पर तो हम शेयर कर रहे हैं, तो इस मेजरमेंट से आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्या क्या है, कितने डिस्टेंस में, ठीक है। तो साइड में आपको जो प्लान दिखा रहेगा इसके साथ आप कंपेयर कीजिए। देखिए यहाँ पर एक एक बेडरूम का साइज 10 फीट 7 बाई 10 फीट 2, और एक साइड में देखिए 13 फीट बाई इधर देखिए 10 फीट 2 इंच, इधर भी 13 फीट बाई 10 फीट 7 इंच। तो ऐसे करके आप इसको देखिए एक बार। यहाँ पर जो टॉयलेट एंड बाथ, यहाँ पर देखिए 6 फीट बाई 8 फीट, और इधर देखिए 14 फीट 9 इंच बाई 8 फीट एक ओपन स्पेस है। यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट भी इधर 6 फीट बाई वॉशरूम कम टॉयलेट 5 फीट, यहाँ पर और एक बेडरूम 12 फीट बाई 10 फीट 7 इंच, ओके। यहाँ पर किचन एरिया 8 फीट बाई 10 फीट, तो काफ़ी साइज इसका बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए 12 फीट 9 इंच जो है डिस्टेंस, यहाँ पर 12 फीट 9 इंच आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम ऐसे यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे जिसमें आपको यहाँ पर देखिए मेजरमेंट दिख रहा है, ओके, 12 फीट 9 इंच। उसके बाद हम यहाँ पर जो नेक्स्ट बेडरूम 10 फीट 2 इंच बाई 10 फीट, यहाँ पर जो पोर्च एरिया या ओपन एरिया देखिए 3 फीट 6 इंच बाई 11 फीट जो फ्रंट में आपको दिखा दे रहा है। स्टेयर एरिया कहाँ कितना है इधर रूम के अंदर 10 फीट 7 बाई 11 फीट, ओके। तो ऐसे करके आप इस प्लान और का जो पोजीशन है देखिए इधर भी आप देखिए इधर जो डिस्टेंस है कितना है, हम यहाँ पर इधर से रखा है तो डिस्टेंस देखिए 20 फीट 6 इंच, तो इस इधर जो गैप है देखिए 4 फीट 9 इंच, ओके। ऐसे करके आप इस बिल्डिंग प्लान को बना सकते हैं। अगर आपको इसको ड्राइंग को डाउनलोड करना है तो आपको एक लिंक मिलेगा, आप उधर जाइए, इमेज के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद आप इसको सेव एज इमेज करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर।